वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। अज असी आए हैं गुरुद्वारा श्री अड़ीसर साहिब विखे जी। इस ओ स्थान है जिथे कदे तंबाकू का खेत हुंदा सी। आपा इस स्थान के इतिहास बारे जानांगे, इस स्थान नू दर्शन करांगे। वीडियो किवें लगेगी कमेंट करके जरूर दस्यो, चैनल सबसक्राइब कर दियो, वीडियो लाइक कर दियो, अपने दोस्तों मित्रों नाल शेयर करना ना भुल्यो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। आओ गुरुद्वारा साहिब के अंदर दर्शन करते हैं जी। नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी गुरुद्वारा गुरुसर पक्का अते गुरुद्वारा गुरुसर कच्चा होंदे हुए इस स्थान उत्ते पुजे सन जी। असी उन्हां दोनों स्थानों की वीडियो बनाई है जी। तुसी साढ़े चैनल उत्ते जाके जरूर उन्हां दे दर्शन करियो जी, उन्हां दे इतिहास बारे जाणियो जी। गुरुद्वारा साहिब के इस साइड है जी जोड़ा घर, जिथे आप जोड़ा उतार के गुरुद्वारा साहिब के दर्शनों लिए जा सकते हैं जी। जोड़ा आप उतार लिया जी, आओ चलिए धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के दर्शनों जी। दरबार साहिब विच एंटर होने तो पहला इस माध भी बनी हुई है जी, संगत इतें भी मत्था टेकती है जी और दर्शन करती है। आप इस माध के इतिहास बारे भी जरूर जानेंगे जी। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह जी। बाबा जी जिहड़ी उस जगह बनी हुई है जो आप अंदर एंटर करते हैं जी, समाध बनी हुई है जी, किरां दी जगह बनी हुई है जी? वो गुरसिखां दे भगत करे सी, उन्हां नूं गुरु तेग बहादुर मिलण आए सी। अच्छा जी। वो कहिंदे भी गुरसिखां भी इत्थे घर बना के बह जा, गुरु घर बना के बह जा, भी इसे अड़े कम होणगे। अच्छा जी। दी संगत नूं इह बेनती है भी इत्थे आओ, अड़ीसर गुरुद्वारे इहदे हद तां हैगा गा, भी इत्थे अड़े भी कम होंगे भी एक बार परिवार में लैके जरूर दर्शन करो गुरु घर के, भी सारे कम होंगे, सारे रिश्ता पूरे होंगे, श्रद्धा भावना रख के। ये जो बरनाले जिले के पैंदा जी स्थान जी? हाँ जी, बरनाले जिले से पैंता, तो हिणा ये धौले बचाले है। ठीक है जी। भी हद तो हिणा इस हिणा 2 किलोमीटर साइड से आ जाता है। अच्छा जी। जो स्थान इस तो पिछे बनया उत्थे पातशाह पहला आए ने, है ना जी? हाँ जी, उत्थे वड्डा गुरुद्वारा पक्का गुरसार उत्थे पहला आया, उत्थे कोढ़ दी बीमारी सी, लोगों को कोढ़ बीमारी कट्टी सी। अच्छा जी। उस स्थान तो बाद पातशाह इस स्थान दे उत्ते आए? नहीं, उदो बाद जी कच्चे गुरसार गया। अच्छा जी। उत्थे आके दुध पीता सीगा, उदो बाद फिर दुध पी के फिर इत्थे आए सी जी। इत्थे सारे अड़े कम होंदे आ, नेचर आओ, भावना आओ, ते संगत नूं लैके आओ, ते वध तों वध इत्थे सुख अरदासां सुखां पूरियां होंदियां ने। कनेडा अमरीका वाले बंदे सारे भावना पूरी होंदी आ, भी चढ़ता कराया इन्नी संगत आँदी है, ऐतवार में 1-1.5 लाख की संगत पहुँच जाती है, भी परमात्मा आपे कराई जाता, आपे हो जाए, सारे कम हो जाते हैं, इस भावना ना हो। वाहिगुरु जी की फतेह। नौवें पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी जदों आनंदपुर साहिब तो चले ने धर्म के प्रचार लई, तो पातशाह इस एरिए दे विच भी आए सी जी। पातशाह पहले पक्के गुरु सर, फिर कच्चे गुरु सर गए जी, फिर इस स्थान उत्ते आए सीगे जी। इस स्थान दे उत्ते एक मुसलमान जिमीदार दा तंबाकू दा खेत हुंदा सीगा, घोड़ा अड़ी पै गया, संगत पातशाह नूं पुछण लगी भी ये चल क्यों नहीं रहा, तुर क्यों नहीं रहा, तां पातशाह कहिंदे अड़ी पै गया। पातशाह कहिंदे कोई गल नहीं, किसी समय दे विच ये जिन्हां दे तंबाकू दे खेत ने ये गुरु घर दे सेवक बणनगे, श्रद्धालू बणनगे, ते संगत इस जगह दे उत्ते सच्चे मन अरदास बेनती करूगी तां उहदे अड़े कम पूरे होणगे जी। लखां दी गिणती दे विच इस स्थान उत्ते संगतां आउंदियां ने जी, अपनियां अरदास बेनतियां करदियां ने जी, उहनां दियां पूरियां हुंदियां ने जी। तुसीं भी इस स्थान उत्ते आओ जी, दर्शन करो जी इस स्थान दे जी, बहुत सोहणा स्थान बणिया होया जी इह।
ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀ ਜੀ, ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਖਵਾਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਜੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੀ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਅੜੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ, ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਓ ਜੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜੀ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜੀ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਖਾਲੀ ਡੱਬੇ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਉੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਲਮਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਆਲਮਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਬਕ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੱਬਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।